जिन फीमेल्स के पीरियड रेगुलर होते हैं वहाँ पे ओव्यूलेशन के डेज कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है कि ओव्यूलेशन के बाद के जो डेज होते हैं वो फिक्स्ड 14 डेज के होते हैं। तो जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं वो अपने पीरियड्स में से 14 डेज को अगर माइनस करते हैं तो उस डे के आसपास में एग रिलीज होता है, और उससे एक दो दिन पहले और एक दो दिन बाद में रिलेशनशिप रखने से प्रेगनेंसी ठहराने के चांसेस बढ़ाए जाते हैं। इसके लिए जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो ये है कि आप अपने पिछले 4 से 6 महीने के मेंस्ट्रुअल कैलेंडर को मेंटेन करिए। मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि पिछले 4-6 महीने में आपके पीरियड्स कब कब आ रहे हैं आपको ये लिखना है, और फिर आपको अपनी शॉर्टेस्ट साइकिल यानी कि सबसे कम गैप में पीरियड्स कब आए वो एक जगह लिखिए, और अपनी लॉन्गेस्ट साइकिल यानी कि सबसे ज़्यादा अंतराल में कब आपके पीरियड्स आए वो लिखिए। सपोज आपके पिछले 6 महीनों में सबसे जो शॉर्टेस्ट साइकिल थी वो थी 28 दिन की, तो 28 दिन में से आपको 14 माइनस करना है, 14 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका डेट आ जाता है 14। और आपकी लॉन्गेस्ट साइकिल थी 40 दिन यानी कि 40 डेज की, तो उसमें से भी आप 14 माइनस करेंगे, क्योंकि पोस्ट ओव्यूलेटरी जो फेज़ होता है वो फिक्स्ड होता है। तो आपने 40 में से अगर 14 माइनस किया तो वो हो जाता है 26। तो शॉर्टेस्ट डे में से अगर हम जब 14 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है डे 1 फर्टाइल पीरियड का, और जब हम लॉन्गेस्ट डेज में से 14 माइनस करते हैं तो हमें लास्ट डे मिलता है फर्टाइल पीरियड का। तो हमने एक एग्जांपल लिया था जहां पे हमारी शॉर्टेस्ट साइकिल थी 28, उसमें से हमने माइनस किया 14, तो मतलब डे 14 आपका आया। लॉन्गेस्ट साइकिल थी आपकी 40 डेज की, उसमें से हमने 14 माइनस किया तो 26 आया। इसका मतलब ये है कि डे 14 ऑफ योर पीरियड से लेकर के डे 26 इस दिनों के बीच में आपका ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। तो इन दिनों में आप अपने बॉडी साइंस को, जो कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स होते हैं, कि आपका वजाइनल डिस्चार्ज का पैटर्न कैसे हो रहा है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस तो नहीं आ रही है, कोई ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, वेट गेन किस तरफ किन दिनों के आसपास में हो रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर कब हल्का बढ़ रहा है, तो आपको इन दिनों में ये बॉडी साइंस को क्लोजली वॉच करना है। अगर आपको ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट का भी इस्तेमाल करना है तो इन्हीं दिनों में आपको करना है, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो ये वो फर्टाइल डेज हैं जिस दौरान अल्टरनेट डे रिलेशनशिप रखने से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अक्सर मेरे व्यूअर्स ने मेरे से ये पूछा है कि आप अल्टरनेट डे रिलेशनशिप के लिए क्यों बोलते हैं। देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो एग होती है उसकी लाइफ होती है 24 आवर्स, और जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ होती है 72 आवर्स। हम एक कोई प्रिसाइज डे तो कैलकुलेट कर नहीं रहे हैं जब एग रिलीज हो रहा है, हम रफली अपने फर्टाइल डेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सब फैक्ट्स को ध्यान में अगर रखते हैं तो अल्टरनेट डे अगर हम रिलेशनशिप रखते हैं तो फर्टाइल डेज भी सब कवर होते हैं, एग की लाइफ भी उस दौरान में कवर हो जाती है, स्पर्म की लाइफ भी कवर हो जाती है। तो इसमें सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेशंस हम निकालते हैं जिससे फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दौरान अगर आप डेली रिलेशनशिप रखें या फर्टाइल डे से पहले या बाद में रिलेशनशिप रखेंगे तो उससे कोई परेशानी होगी, ना तो इससे आपके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं ना घटते हैं। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस कि आप क्या चाहते हैं। जहाँ तक बात होती है फर्टिलिटी इन्हेंस करने की, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आप फर्टाइल डेज को फॉलो करिए, और अगर पीरियड्स इररेगुलर है तो सिंपल इस फॉर्मूले के साथ में आप अपने फर्टाइल डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं और फर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। स्पर्म की लाइफ जो वजाइना में होती है वो लगभग 72 आवर्स की होती है, और जो एग की लाइफ होती है वो लगभग 24 आवर्स की होती है। तो अगर एग रिलीज होने से एक दो दिन पहले, एग रिलीज़ होने वाले दिन और उसके बाद भी एक दो दिन तक अगर आपने रिलेशनशिप रखा है तो उसे प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी तरीके के स्ट्रेस में मत आइए, अपने कंफर्ट जोन को ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें आपको कंफर्टेबल लगती हैं, स्ट्रेस फ्री रखती हैं, आप उसे ट्राई करिए। किसी भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपके प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस इनफैक्ट कम हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि रिलेशनशिप के बाद किसी भी पोजीशन में लेटना या कितनी देर तक लेटना ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसको रिलेशनशिप के बाद वजाइना से बाहर आना मैंडेटरी होता है।
सेमिनल फ्लूइड के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म्स, जो कि चलते हैं अपने टेल की मूवमेंट की वजह से, और वो स्पर्म्स माइग्रेट करके बच्चेदानी के मुंह से होते हुए बच्चेदानी के अंदर और वहां से फिर फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंचते हैं जहां पे उसे एग मिलता है। और ये सब जो मूवमेंट्स होती हैं वो किसी भी पोजीशन से डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो लोग ये जो सोचते हैं कि रिलेशनशिप के बाद अगर वो इमिडिएटली खड़े हो जाएंगे या लेटे नहीं रहेंगे तो उसके बाद लिक्विड बाहर आ जाएगा और उससे उनको प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आएगी, तो ये एक मिथ है। लिक्विड बाहर ही आता है और स्पर्म्स माइग्रेट करके अंदर चले जाते हैं।